हे गाइस, सो आज हमारा जम्मू में लास्ट डे है और आज ही हमारे फ्रेंड का बर्थडे भी है. सो हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहर. नहीं, हम सब लोग हम सब लोग गए. कौशिक हम लोग खिलाया पिलाया और लास्ट में केक लेके आ गए हैं. नहीं, अभी खिलाना बाकी है दोस्तों. हाँ, अभी डिनर कराना बाकी है और इसलिए हम लोग व्लॉग में बोल दे रहे ताकि ये मुकरे नहीं. और दूसरी चीज की हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना ट्रिप वैष्णो देवी जाके और हमने एंड भी किया. आपने टीका देख रहे हैं आप, वो हमने टेंपल जाके अभी हमारा ट्रिप आज कंप्लीट किया है. सब शुभ शुभ. हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ भी और वो भी आपके. सो चलिए अब केक कटने का प्रोग्राम करते हैं. बस 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 भाई, ये की चाप है, ये तो जो दिया है ये माल. ए, तुम्हें की पे काट छोए. वही तो मैं बोला, ये चाप से ये खुद बेक जा रहा है. ठीक है, इसको हटाओ एक बार. ये भी हटाओ, इसको काटो काटो. मेरे को मेरे से नहीं काटा जाता इसे, बड़े इसमें प्रॉब्लम है. बैठ के काटो. बाल पे नहीं लगाऊंगा. हाँ, गाल पे लगाऊंगा. ये सब कपड़ा वपड़ा धोने का नहीं है. बाल पे नहीं लगाऊंगा पक्का. देख, बाल पे नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा. यहाँ लगाने का हो गया. नहीं, बाल में लगा दूंगा मैं. फालतू काम मत कर, पूरा खा ले तू. तेरे लिए है, पूरा खा ले. मेरे को थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, अब आपको ले चलते हैं कालिका धाम में, जो हमारा रूम था जिसको हमने श्राइन बोर्ड का वेबसाइट के थ्रू ही बुक किया था. एंड ये होटल जो है ये जम्मू रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही था, लेस देन 500 मीटर्स. इनफैक्ट जितना भी श्राइन बोर्ड का जो होटल्स था, फॉर एग्जांपल कालिका धाम, वैष्णवी धाम और भी जितने सारे थे, तो वो सारा एक साथ ही लोकेटेड था रेलवे स्टेशन के पास. रूम का एंट्री में आप देख सकते हो एक 8 या 10 फीट का मेटल डोर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. एंड उसके अंदर घुसते ही एक लॉबी एरिया था जिसमें एक शू रैक भी दिया हुआ था जहां हमने अपना बैग रखा हुआ था. एंड देन सामने वॉशरूम था, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा साइज का था एंड क्लीन था. एंड रूम भी काफ़ी बड़े साइज का था, आई थिंक 250-300 स्क्वायर फीट का सिर्फ ये रूम होगा. और जहां पे दो कबर्ड्स दिए हुए थे और कबर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो ब्लैंकेट्स था, एक्स्ट्रा पिलोज था, फिर बेडशीट था और कबर्ड के साथ ही एक टेबल था विथ कपल ऑफ चेयर्स. और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक केटल था एंड देन टी एंड कॉफ़ी का अरेंजमेंट्स भी था, जो पैकेट्स आते हैं तो वो वहाँ पे प्रोवाइडेड था. एंड बेड भी आप देख सकते हो, ये किंग साइज बेड था आई बिलीव. और उसके दोनों साइड में टेबल्स थे विथ ड्रॉवर्स. एंड आपको एक फोन भी प्रोवाइडेड था, सो रिसेप्शन कॉलिंग एंड ऑल दैट उसके लिए. और ये एयर कंडीशन रूम था, सो एसी चालू करने के लिए एक स्टेबलाइजर भी था. अगर आपको स्टेबलाइजर चालू करने नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप खुद से कोशिश मत करना. आप रिसेप्शन में कॉल कर सकते हो और वो किसी को भेज के, मतलब या फिर आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो फ़ोन पे एंड फिर आप वो चालू कर सकते हो. और एसी के पास में ही 3 बड़े साइज का विंडो था एंड विंडो के बाहर से आप व्यू भी देख सकते हो, मेन रोड का आपको व्यू मिलता है. एंड फाइनली आपको एक टेलीविजन प्रोवाइडेड था विथ सेट टॉप बॉक्स. सो ऑल इन ऑल काफ़ी प्लेजेंट एंड पीसफुल स्टे था. एंड प्राइस का भी अगर बात कर लेते हैं तो वन रूम का चार्ज फॉर वन नाइट हमें लगा था 1700 रुपीज़. एंड इसमें एक कैच है कि आप
ये जितना भी श्राइन बोर्ड का जो होटल्स है उसमें आप एक बार में सिर्फ एक ही रूम बुक कर सकते हो फॉर वन डे ओनली। सो ये एक कैच है, बट अदरवाइज अगर आपको एक दिन से ज्यादा रुकना है तो आप मतलब बैक टू बैक बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप एक दिन का बुकिंग करके वहां स्टे करके फिर आप रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको एक और दिन एक्सटेंड करना है, तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी वो लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स गए थे तो उनको वहां पे दो दिन स्टे करना था, तो उन्होंने मतलब उनका बुकिंग तो एक दिन का ही हुआ था बट उन्होंने रिसेप्शन में बात किया, फिर उनको सेकेंड डे का भी स्टे अलॉट हो गया था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।